तो देखो, अमीरों को शौक रहता है गरीब जैसे घर में जाने का, और गरीबों का शौक रहता है बिल्डिंगों में जाने का। तो देखो, उधर गावा है, इधर फल फ्रूट है, और इधर इतना सारा सामान है। तो दोस्तों, ये मटन नहीं है, ये है ऊंट का गोश्त, ऊंट कैमल। देखो, ये कैमल। तो दोस्तों देखो, इसी पानी के बोतल को गरूरा बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है वो खाना, माशाल्लाह। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और देखो, आज मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, धूप निकला ही नहीं है, हो सकता है बारिश आए। तो चलो, अभी बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो आ गया मैं कफिल के घर पे। अब देखो मैडम कब बाहर आती है। तो दोस्तों, 11:48 हो रहा है, मैडम 11:40 पे बाहर आई थी, 11:15 पे ही बुला ली थी। तो आ गया मैं ये मटन के शॉप में, देखो तारिक मदीना पे। इतना सवा किलो नितेन तमामी में। तो ये है वो मटन, अभी देखो काट रहे हैं इसको। नए बंदे आए हैं तो उनको सिखाया जा रहा है। देखो 7 किलो है। तो दोस्तों, ये मटन नहीं है, ये है ऊंट का गोश्त, ऊंट कैमल। देखो ये कैमल, देख लो। तो ये इसी का है। मटन आसान लगता है तो मटन बोलता रहता हूँ मैं। देखो, नए बंदे आए हैं, वो मशीन ख़राब कर दिए, तो फिर से सब सेटिंग वगैरह होगा, फिर कटेगा। तो दोस्तों, ले लिया मैं ऊँट का गोश्त। चलो अभी पहुँचा देते हैं इसको कफिल के घर पे। देखो, कफिल का पहले फार्म हाउस इधर ही था। हमें इधर भी काम किया हूँ, 15 दिन काम किया हूँ मैं। इधर का कफिल इतना ख़राब था कि गाड़ी देता ही नहीं था सुपरमार्केट में आने के लिए। सुपरमार्केट यहाँ है और मैं उधर से अंदर अंदर पैदल चल के आया करता था। रात को तो और डर लगता था, सांप वगैरह भी इधर रहते हैं रात को। तो 12:30 हो रहा है, मैं इधर पहुंच गया कफिल के घर पे ये मटन लेकर। तो दोस्तों, ये सैनी पहुंचाना है होटल में, बाकी बोली है खाना देने के लिए, तो अभी मेरे लिए खाना आएगा। चलो सही है, वही खाना जाके खा लेंगे। तो देखो, ये ऊँट के गोश्त भी दे दिए, ये भी लेके जाना है होटल में। मुझे लग रहा है वही होटल में जाना है जहाँ पिछली बार लेके गया था मैं। अब पिछली बार तो हॉस्पिटल वाली मैडम 12:30 ही फ़ोन कर दी थी कि मेरा खलास हो गया है। तो मैं ये सब मटन वगैरह सैनी वगैरह पहुँचा कर फिर मैडम को भी लेके आ गया था, पर आज गई है 12 बजे, तो पता नहीं कब आएगी। यही होता है जिस दिन खाना नहीं खाया रहता हो ना, और खाने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये खाना मिला है और बहुत ही गर्म है। मैं सोचा चलो खोल के दिखाऊँ आप लोगों को, हाथ जल गया, कपड़ा चाहिए उसके लिए। तो पहुंच गया मैं ये होटल में, इधर तो लाइन लगा हुआ है पूरा। तो दोस्तों, दे दिया मैंने ये पर्ची कटा है, देखो 300 कुछ रुपए का बिल बना है। अब चलो चलते हैं जल्दी से घर पे, अपना ये खाना गर्मा गर्म है, खाना खाएंगे। तो दोस्तों, 1:08 हो रहा है, मैं इधर पहुंच गया अपने रूम की तरफ। चलो अभी जाके जल्दी से अपना ये खाना खा लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है वो खाना, माशाल्लाह। तो चलो जल्दी से खा लेते हैं। दोस्तों, 1:47 हो रहा, हॉस्पिटल वाली मैडम का फ़ोन आ गया कि मेरा खलास हो गया, आ जाओ लेने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ मैडम को लेने। तो 2 बज गए, मैं इधर पहुँच गया हॉस्पिटल के पास में। चलो मैडम को उठा के पहुँचा देते हैं। इधर पहुँचा दिया हॉस्पिटल वाली मैडम को ला के कफिल के घर पे।
तो 3:07 हो रहा है और कफिल के वाइफ का फ़ोन आ गया मदरसे में छोड़ने के लिए। तो जा रहा हूँ मैं अभी, मैडम को मदरसे में छोड़ दूँगा, फिर रूम पे आऊँगा। तो देखो आया मैं और वीडियो एडिटिंग करते ही करते ही 1 घंटा चला गया, 3 बज गया, 1 घंटे का पता ही नहीं चलता है। और वीडियो अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है, आके मैं कंप्लीट करूँगा, फिर उसको अपलोड करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा, फिर पब्लिश करूँगा। अभी 30 मिनट और लगना ही है। तो डेली का यही मेरा इस टाइम यही काम रहता है, वीडियो एडिट करके फिर अपलोड करना। देखो यादव भाई के रूम वाले, यही मुदीर है इसका, यह हैदराबादी। तो दोस्तों मैडम को मदरसे में छोड़ दिया मगर मेरा ड्यूटी लग गया, मोबाइल में चार्ज भी नहीं और चार्जर भी नहीं लाया मैं। अभी बोली है कि जाओ सुपरमार्केट में 2 कार्टून पानी लेके आओ इधर ही, और फिर यहाँ से ये मदरसे से जल्दी खलास करके जाएगी। अब देखो कहाँ कहाँ क्या क्या ड्यूटी रहता है, और मोबाइल में चार्ज सिर्फ 40% है, अभी ज़्यादा देर चलेगा नहीं। देखो ये ले रहा हूँ मैं, तो ये ले लिया। तो दोस्तों ये पानी उधर मदरसे में नहीं देना था, मैं खोल के उतारने वाला था तब तक वो बाहर आ गई, बोली पानी इसमें रहने दो, और भी सामान दे रहे हैं ये लोग, ये सब भर के लेके जाना है किसी फार्म हाउस में, वहीं पे पहुंचाना है। तो देखो उधर गावा है, इधर फल फ्रूट है, और इधर इतना सारा सामान है, डोलची वगैरह देखो। तो दोस्तों सारा सामान भर लिया हूँ, अभी आएगी कफिल के वाइफ, बैठ के जाएगी फार्म हाउस में, फिर वहाँ पे छोड़ के आना होगा कि वहाँ पे रुकना होगा मालूम नहीं, वहीं पे जाके पता चलेगा। और रात को खाना मुझे ला के वहाँ पर पहुँचाना होगा फार्म हाउस में, या फिर वो लोग खुद ही ले लेंगे जो मैंने पहुँचाया था दोपहर में। वो भी आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को मालूम चलेगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों ये वाला फार्म हाउस लिए हैं इधर एकदम है। तो देखो अमीरों को शौक रहता है गरीब जैसे घर में जाने का, और गरीबों का शौक रहता है बिल्डिंगों में जाने का। तो देखो ये पानी यहाँ पे झोपड़पट्टी में आई है पार्टी करने, अमीरों का शौक रहता है झोपड़पट्टी, गरीबों का बिल्डिंग, सबका अलग अलग शौक रहता है। तो दोस्तों सारा सामान रख दिया मैंने, और कफिल के वाइफ बोली है कि अभी मत जाना, अभी मैं अकेली हूँ, 4-5 औरतें आ जाएगी लोग, तब तुम चले जाना, गेट ऐसे खुले रहने दो। बाकी गाड़ी सही से इधर खड़ा कर लेता हूँ, और ये दी है पर्ची जो मैं दोपहर को खाना दिया था, ये जाके 8:30 लेके फिर यहीं पे पहुँचाना है, तो रात को फिर से यहीं आऊँगा 8:30 तक। फिर उसके बाद जब पार्टी खलास होगा, ख़त्म होगा 12-1 बजे, फिर से आना पड़ेगा। तो दोस्तों सिर्फ औरतों का पार्टी है शायद, बस ये कफिल की वाइफ आई है पहले, बाद में इसके लड़की लोग आएगी लोग रात में, और अभी शायद हो सकता है 1 घंटा में 1 घंटा में आएगी लोग औरतें। तो मैं इधर ही बैठा हूँ, अभी तक तो कोई भी आया नहीं है, बाकी यहाँ पे भी मेरा नेट नहीं चल रहा रेड बुल का भी। किसी भी सिम के बारे में ट्राई करना है तो एकदम आओ, यहाँ पे लिखे आ जाता है इमरजेंसी कॉल ओनली, तो सलाम का भी नहीं चलता था और रेड बुल का भी इमरजेंसी में हो गया। तो वो तो अच्छा हुआ मैंने सिटी में ही लोकेशन चालू कर लिया था और अपना आ गया था इधर लेकर मैडम को, तो यहीं पे आके सीधे डायरेक्ट रुके थे हम लोग। बाकी ये देखो ये झोपड़पट्टी अपना बिल्डिंग महल छोड़ के झोपड़पट्टी में आई है लोग पार्टी करने, अमीरों को अलग शौक रहता है, वो लोग बिल्डिंग में रह रह के थक जाते हैं तो अपना जाते हैं इधर उधर झोपड़पट्टी में। तो देखो एक गाड़ी आके रुका है, मैडम उतर रही है। तो देखो सब कुछ ना कुछ सामान ला रहे हैं अपने ड्राइवरों के साथ, ये अपने भाई साहब मैडम के साथ अंदर पहुंचाने जा रहे हैं ड्राइवर भाई साहब। तो मेरी मैडम वो सब सामान लाई थी, जितने औरतें आएंगी हो सकता है ये शेयरिंग में पार्टी हो रहा हो,
कि तुम कुछ लाओ और ऐसे मिल के पार्टी करेगी लोग। तो इसलिए जो भी आ रही है लोग, अभी तो एक ही आई तो ये भी लेके आई है सामान वगैरह, बाकी मेरी मैडम भी पानी और वो सब फल फ्रूट और चाय कावा लेके आई है। तो चलो वो भाई अपना मैडम को छोड़ के जा रहे, अब मैं भी निकलता हूँ। मैडम बोली थी कोई भी एक मैडम आ जाएगी तो निकल जाना, तो वो आ गई। अब वो लोग अपना बैठ के बातें करेगी लोग और हम चलते हैं। रात को पूछ लूँगा कि ये पैसा जमा किए कि नहीं, कि मुझे जमा करना पड़ेगा। फिर खाना लेके आऊँगा, 8:30 बजे जाऊँगा। तो मैं अभी गाड़ी मोड़ भी नहीं पाया, एक मैडम और आ गई। तो देखो दिन में एकदा, हमेशा मैं रात को ही आया हूँ और रात को ही दिखाता हूँ। आज दिन में देखो ये पूरा पहाड़ी पहाड़ी है गांव इलाका, और खजूर वजूर का पेड़ पौधे दिखेंगे किनारे किनारे में, और झोपड़पट्टी दिखेगा। ऐसे गांव में बाजार दिखेंगे, भुट्टे बिकते हुए देखो, भुट्टे बेच रहे हैं इधर भाई साहब, सब बंगाली भाई साहब लोग। देखो भुट्टे बिक रहे हैं, भुट्टे बाल। उस दिन मैं यहाँ पे फंसा था जब मेरा सलाम का नेट बंद हो गया था, तो यहीं से आके ले गया था कपिल का छोटा वाला लड़का। तो चलो अभी चलता हूँ मैं रूम पे। तो दोस्तों पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टिक टिक करने लगा है, तो पेट्रोल में डलवा लेता हूँ क्योंकि आज रात को बहुत ही ड्यूटी है। खाना पहुँचाना, मैडम को लाना, मैडम को ले जाना, ये करना वो करना, सब करते करते बहुत पेट्रोल लगेगा। तो डलवा लेता हूँ मैं अपने पैसे से, बाकी कफिल जब भी दिखाई देगा मैं मांग लूँगा उससे। और चलो वीडियो अपना एडिटिंग हो गया, मैं अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। 5 बज गया, 5 बजे अपना अब एडिटिंग होके एक्सपोर्ट हुआ है, बाकी अब मैं अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, फिर थंबनेल बनाऊंगा रूम पे जाके। देखो यही वाला पेट्रोल पंप से डलवाऊंगा मैं, यहाँ पे मिल जाएगा टिश्यू पेपर। रूम पे टिश्यू पेपर नहीं है बिल्कुल भी, ख़त्म हो चुका है, अभी यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, शायद नहीं मिलेगा। चलो है टिश्यू पेपर है, देखो डल रहा है अपना 50 रियाल का, और वो रहा टिश्यू पेपर। तो ये है 50 रियाल, 50 रियाल 1100, 1100 में 22 लीटर पेट्रोल आ जाता है यहाँ पे। तो चलो अपना पेट्रोल डल चुका, 300 किलोमीटर चलेगा 22 लीटर में, बाकी ये रहा अपना टिश्यू पेपर। चलो चलते हैं। तो देखो पहले उधर से जाया करता था मैं अपने रूम पे, और देखो जो लाल वाला दिख रहा है, एक नया होटल खुला है, उसी वजह से जो मेरे रूम में उधर होटल था उसका नहीं चलता है अब, क्योंकि ये नया खुला है तो सब लोग नए पे जाते हैं थोड़ा ट्राई करने, कैसा बनता है ये वो, हर चीज़ नया रहता है। देखो पेट्रोल वहाँ पे डलवाने आ रहा हूँ क्योंकि ये मिल जाता है, नहीं तो मैं उधर ही डलवा लेता, मेरे रूम के पास भी एक पेट्रोल पंप है। देखो ये रहा इरफान का रूम, और उधर है सुपरमार्केट, मेरा पुराना वाला रूम। मोबाइल में 18% चार्ज है, चलो मैं पहुंच गया टाइम से ही अपने रूम पे, चार्ज में लगा दूंगा, बाकी अब निकलूंगा मैं तो चार्जर लेके निकलूंगा। तो फोन भी आ गया पता नहीं किसका। तो दोस्तों वो मैडम अब फोन की थी कि खलास तुम अपने रूम पे जाओ, मैं तो रूम पे पहुंच गया। वही मैं बोला मैं तो रूम पे पहुंच गया, तो बोली चलो ठीक है खलास। तो दोस्तों 8 बजने में 6 मिनट बाकी है, कफील एक फ़ोटो भेजा व्हाट्सएप पे दवाई का, तो जाके फार्मेसी से वो दवाई लेके पहुंचाना है कफील के घर पे, बाकी फिर मैं उधरी सुधरी चला जाऊंगा होटल में, और होटल से खाना लेके पहुंचा दूंगा मैडम को। तो मैं इधर आया हूँ अलवादिया वाले मार्केट में, वो रहा फार्मेसी, वहाँ जाके देखते हैं। और ये देखो आप लोगों ने इतना बड़ा कूलर देखा था, देखो ये कूलर है, इसके अंदर वो पानी जाता है और ये चलता है तो पानी गिरता है, बाकी ठंडा ठंडा हवा जाता है। उधर सुपरमार्केट है, पूरा सुपरमार्केट कूलर से ठंडा हो जाता है। लगता है दौड़ना पड़ेगा उसके दवा के वजह से, वहाँ पे मिला नहीं। अब ये यहाँ पे जहाँ से मैंने अपने लिए दवा लिया था,
तो यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो, देखो यहाँ पे मिल गया जहाँ पे मैंने अपना इलाज करवाया था, जहाँ से दवाई लेके गया था मैं। चलो ज़्यादा भागना नहीं पड़ा, अब इसको पहुँचा के सीधा अब चलते हैं, उधर होटल में चलेंगे। तो देखो इतने बड़े फार्मेसी में नहीं मिला, छोटे में मिल गया। देखो इसी सुपरमार्केट में वो कूलर लगा हुआ है और इसी के बगल में मैंने गाड़ी खड़ा किया है। तो आ गया मैं कपिल के घर पे। तो दोस्तों आ गया मैं होटल में, देखो ये वाला होटल है। तो आज पूरा होटल खाली है, देख रहे हो, कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ बस। तो अभी मैडम फोन करके बोली है कि बकाले में जाना है और एक कार्टून और पानी चाहिए और 3 रियाल वाला गरूरा चाहिए। गरूरा पता नहीं क्या है, वहाँ बकाले में जाकर पूछूंगा बंदों से, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों खाना मिलना शुरू हो गया, एक सैनी आ गया, मैंने सीट भी खोल लिया। अगर वो दूसरा वाला इसमें नहीं आएगा तो उस पर रख दूंगा दूसरा वाला। तो चलो दोस्तों ये दोनों आ गया पीछे में ही, बाकी उधर आगे पानी रख देंगे। तो दोस्तों सारा सामान वगैरह रख लिया, ये भी मिला है, देख लो। तो चलो अच्छा हुआ मैंने खोल लिया था। तो दोस्तों देखो इसी पानी के बोतल को गरूरा बोलते हैं। तो चलो दोस्तों कार्टून ले लिया पानी का, बाकी गरूरा भी ले लिया पानी का, तो उसी को गरूरा बोलते हैं, अपने को नहीं मालूम था इतने दिनों से, 6-7 सालों से। अब चलो सीधे फार्म हाउस में मिलता हूँ मैं आप लोगों से। तो दोस्तों 9:13 हो रहा है, मैं इधर पहुँच गया, वो फार्म हाउस यहीं पर है इधर ही। देखो ये झाड़ जंगल। तो ये रहा, आ गया मैं। चलो अभी सारा सामान दे देते हैं, देखते हैं सही सलामत सब पहुंचा है कि नहीं। हाँ सब सही है। तो दोस्तों नौकरानी लोग उठा के लेके जा रही है लोग अंदर, लेके चले जाए तो फिर मैं अपना रूम पे चला जाऊंगा। तो हो सकता है वो सब वो बैंक वाली मैडम के गाड़ी में बैठ के आ जाएगी, कफिल की वाइफ। देखो ये फॉर्चूनर बैंक वाली मैडम का। तो दोस्तों सारा सामान दे दिया मैं, मैडम बोली कि तुम चले जाओ। तो चलो जा रहा हूँ मैं रूम पे चल के आप लोगों को मिलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो 9:45 हो रहा है, मैं अब पहुँचा अपने रूम पे और अभी मैं जाऊंगा खाना वगैरह गरम करूंगा, खाऊंगा। देखो यहाँ पे कोई भी चिंता नहीं है कि हाँ कि अब 10 बजने वाला है, रूम पार्टनर लाइट बंद करके सो गया होगा तब जाके लाइट चालू नहीं कर सकता मैं, चलो होटल में खा लेते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करो। अब मैं चाहूँ तो अभी से भी मैं रूम पे जाके, अगर खाना मेरा नहीं बना होता, अभी तो खाना बना भी है कल का और मैडम खाना दी थी दोपहर में, वो भी है, तो वही गर्म करके खाऊंगा मैं, तो खाना ही खाना है। अगर खाना नहीं भी रहता तो मैं अभी से भी 10 बजे से भी अपना खाना बनाने का चालू करता, 12 बजे तक भी बना के अपना खा लेता। और अपना हबीब भाई का रूम अलग है, वो अपना अलग सो रहे हैं, मैं अपना अलग इधर किचन में बनाता, अपने रूम में खाता, किसी को डिस्टर्ब नहीं कि कौन सो रहा है कौन जग रहा है, कुछ भी नहीं। चलो यहाँ पे ये तो है सुविधा। तो ये है अपना मुर्गी, चलो इसको गरम कर लेते हैं। तो दोस्तों अपना खाना गरम हो गया और हरी मिर्च नहीं है, ख़त्म है, तो मज़ा नहीं आ रहा है। अब यहाँ पास में तो खुदरा है नहीं कि भाग के जा के ला लूँ, तो ऐसे ही खा रहा हूँ मैं। तो चलो दोस्तों अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ खाना खाने, बिस्मिल्लाह करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, बाद सलाम, टेक केयर।